देखिए, एक बड़ी बात यह है कि ये स्कूल्स पहले अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ये पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है और इसीलिए वो इन स्कूलों का रुख करते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होता है जेब कटने का सिलसिला। ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल ऐसे ही हैं, लेकिन कई स्कूलों में इस तरह से पेरेंट्स को ठगा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, कई स्कूल सतर्क भी हुए हैं। जिनकी पहले ये पॉलिसी थी, उन्होंने पॉलिसीज को बदला भी है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल में चल रही लूट को आपने देखा। अब रुक करते हैं राजधानी के एक और पॉश इलाके आर के पुरम का। यहाँ के रामजस इंटरनेशनल स्कूल में भी पेरेंट्स यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर मोटी रकम दे रहे हैं या उनसे ये मोटी रकम वसूली जा रही है। यहां मौजूद शख्स ने बताया कि उसने मोटी रकम देकर स्कूल के अंदर काउंटर हासिल किया है। दिल्ली के सेक्टर 4 आर के पुरम में है रामजस इंटरनेशनल स्कूल। यहां जब रिपोर्टर किताबें लेने के लिए पहुंचे तो उनकी बातचीत काउंटर के बाहर मौजूद अभिभावक से हुई, जिन्होंने बताया कि उनसे एमआरपी से भी ज्यादा चार्ज किया गया है। सारा एमआरपी चार्ज तो दे रहे हैं। एमआरपी से भी ज्यादा लगा दिया है। कितना ज्यादा लगा है? एक में 320 एमआरपी 240 है, 320 लगा रखा है। लूट मचा रखा है। रामजस इंटरनेशनल स्कूल में रिपोर्टर ने जब 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत पूछी तो 8,000 रुपए रेट बताए गए। रिपोर्टर को बताया गया कि ये सब एमआरपी रेट पर है। बातचीत में मौजूद शख्स ने बताया कि इन लोगों ने स्कूल को 11 लाख रुपए की मोटी रकम देकर यहां ये काउंटर लिया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि स्कूल संचालक अपने ऐशो आराम के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, एक क्लास का जो बुक है 8,000 का पड़ेगा। 8,000 रुपए का? हाँ। तो ये सारा एमआरपी रेट पे दे रहे हैं या फिर डिस्काउंट है उसपे कुछ? एमआरपी पे। तो ये कंपलसरी स्कूल से ही लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? स्कूल को दे रहे हो आप? पैसा आएगा कहाँ से?